हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे ऑफ यू टेक्निकल। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी खास होने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे द सैंडबॉक्स टोकन की, जो कि मेटावर्स का बहुत ही अच्छा कोइन है। और यदि हम सैंडबॉक्स की बात करें तो इसने जो है गेमिंग इंडस्ट्री में, मेटावर्स में काफ़ी अपनी अलग सी पहचान बनाई है। ये अभी 2021 में काफ़ी जो है सस्ता कोइन था, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी अपनी रैली बनाई और ये लगभग $8 प्लस तक चला गया, जिससे कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उनको पिछले साल 2021 में काफ़ी प्रॉफिट लिया होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में ये काफ़ी जो है डाउन आ चुका है और हमें काफ़ी चीप रेट पे मिल रहा है, काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। यदि हम इसे अभी से अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कर लें तो हमें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो वीडियो शुरुआत करते हैं, उससे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। यदि हम BTC की बात करें तो BTC जो है वही अपने 31,000 के आंकड़े को जो है वो पार कर चुका है। और यदि हम इसकी बात करें तो चूंकि आज की डेट में यानी कि 7 जून में जो है वो यूनाइटेड स्टेट की यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट में जो है वो क्रिप्टो बिल पेश होने वाला है, तो उस वजह से जो है कि जब क्रिप्टो बिल पेश होगा तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे। तो लेकिन इसके लिहाज से देखें तो बिटकॉइन के लिए तो ये बिल काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो एल्टकॉइन के लिए है उन्होंने उसमें पता नहीं जो है एल्टकॉइन में क्या अभी प्रोविजन किया है, वो तो बिल के पेश होने के बाद ही पता चलेगा। तो उस लिहाज से जो है ये क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बिटकॉइन की बात करें तो 31,000 प्लस जो है ये अपना आंकड़ा पार कर चुका है और अभी जो है इसके आगे जो है काफ़ी मोमेंट में इसकी अच्छी पोजीशन चल रही है। और 32,000 यदि बिटकॉइन जो है वो 32,500 के आंकड़े को पार कर जाएगा US डॉलर में, तो आगे जो है हमें एक अच्छी रैली जो है बिटकॉइन में देखने को मिल सकती है और एल्टकॉइन में भी देखने को मिल सकती है। यदि ये 32,500 के आंकड़े को पार करेगा तो आगे जो है इसको 35 और 36,500 की जो रेजिस्टेंट हैं इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यदि इनको ये बिटकॉइन तोड़ देती है नेक्स्ट वीक तक तो हमें जो है क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छी जो है बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है और उससे जो है एल्टकॉइन भी धीरे धीरे वो बुलिश होने की पूरी संभावना है। अब आते हैं अपने टोकन के ऊपर। यदि मैं सैंडबॉक्स के करंट प्राइस की बात करूँ तो सैंडबॉक्स का भी करंट प्राइस जो है वो 1.25 US डॉलर चल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता है और हमें जो है काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रहा है। यदि आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस है थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। तो आपके यदि ये आपको यदि ये वन डॉलर के आसपास भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले जब भी बिटकॉइन जो है धीरे धीरे मूवमेंट करेगा तो सैंडबॉक्स की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है और उस लिहाज से जो है ये काफ़ी अच्छी रैली बनाता है। यदि हम टैक्स की बात करें और कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात करें तो टैक्स की यदि हम बात करें तो मेटावर्स और गेमिंग का बहुत अच्छा कोइन है। और यदि हम कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात करें तो ये इथेरियम, ERC20 और सोलाना की ब्लॉकचेन के पर आधारित है। और जब ये शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इथेरियम की ब्लॉकचेन से इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में सोलाना की जो चेन है इसको इसमें शामिल किया गया। यदि हम बात करें ऑल टाइम हाई की तो यदि इसने जो है अपना ऑल टाइम हाई 8.44 US डॉलर पिछले साल 2021 में ही मारा है। यदि हम रैंक की बात करें तो रैंक इसकी काफ़ी अच्छी है, वो 39 है, जो कि यदि रैंक की बात टॉप 50 में आती है तो टॉप 50 में जो है वही कोइन आएगा जिसकी जो है जिसके पास मार्केट डोमिनेंस अच्छा होगा, जिसके अंदर कोई अच्छे फीचर्स होंगे। यदि हम मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो इसका जो मार्केट डोमिनेंस है 0.13%। अब आप देख सकते हैं कि 0.13% मार्केट डोमिनेंस है इसके पास, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि काफ़ी लोगों ने जो है इसमें इन्वेस्ट किया और विश्वास किया है। अब हम बात करते हैं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1.24 बिलियन है। यदि हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 3 बिलियन है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी 3 बिलियन है। तो उस लिहाज से देखिए यदि सर्कुलेटिंग सप्लाई और इसकी टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है लगभग जो है इसकी आधे से के आसपास, यानी थोड़ी सी कम सप्लाई जो है वो मार्केट में आई है और टोटल सप्लाई और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो इक्वली है। यानी कि अब इसकी जो सप्लाई है वो ओनर्स की टीम द्वारा जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई भी इन्होंने मार्केट में इसकी शो कर दी है। यदि हम इसकी बात करें कि इसका जो प्राइस है वो कितना जा सकता है तो इसके बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो 8.44 डॉलर मारा था। तो यदि आप इसको जो है अभी से अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कर लें ने ऑल टाइम मारा है 8.44 US डॉलर। और यदि हम इसकी बात करें तो अभी प्रेजेंट में इसका 1.25
US$2.5 का प्राइस चल रहा है। और यदि हम इसकी आसानी की बात करें तो 2000, यदि जब मार्केट जो है पूरी तरह से बुलिश मोमेंट में आएगा, बिटकॉइन 45,000 50,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी, तो इसके जो है ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि $8 का जो ऑल टाइम हाई है, इसको तोड़ना इस कॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यदि जाएगी तो ये $10 के जो आंकड़ा है उसको आराम से जो है आसानी से पार कर सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो यदि हम इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर लेंगे तो हमें आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। यदि हम सैंडबॉक्स की बात करें तो सैंडबॉक्स जो है, आपको पता ही है कि सैंडबॉक्स मेटावर्स और गेमिंग इंडस्ट्री में इसने अपनी अलग से पहचान बनाई है। और ये इस तरह का कॉइन है जिसने कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड जो है वो प्लेटफॉर्म इन्होंने इसको प्रदान किया है। इसने क्या किया, सैंडबॉक्स ने गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो इन्होंने दिया है। यदि हम इसकी बात करें सैंडबॉक्स की, तो ये जो है प्ले टू अर्न है। प्ले टू अर्न से मतलब है कि चाहे वो गेम क्रिएटर्स हो, गेम खेलने वाला हो, तो दोनों को जो है इसे जो है अर्न करने, यानी कि कमाई करने का जो है फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि जो क्रिएटर्स है, यदि वो उसने कोई गेम बनाया है तो उसको भी जो है रिवार्ड मिलेगा, उसकी भी अर्निंग होगी। और जो गेम खेल रहा है, यदि वो उसके लेवल पार करता चला जाता है, तो उसकी भी उसको भी टोकन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएंगे। उस लिहाज से जो चाहे वो क्रिएटर्स हो, चाहे वो गेम खेलने वाला हो, दोनों को जो है इससे लाभ हो सकता है, यानी कि प्ले टू अर्न के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है DAO यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन प्लस NFT दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उस लिहाज से भी देखें तो ये जो है हमें जो है काफ़ी यूनिकनेस जो है प्रदान करता है। यदि हम आगे सैंडबॉक्स को देखें तो सैंडबॉक्स जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड इसने जो है क्रिएट किया है। कैसे, चाहे जो है जो क्रिएट, चाहे इसमें हम बाय करें सेल करें, डिजिटल ऐसे तो चाहे हम बाय करें सेल करें या क्रिएट करें, तो उससे जो है हमें वर्चुअल वर्ल्ड में जो है इसने हमें ये उसकी फैसिलिटी देता है उस ब्लॉकचेन की, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि हम किसी भी जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें अपने जो चाहे हमारा गेम है या हमने कोई गेम क्रिएट किया है, चाहे उसको बाय करना हो डिजिटल असिस्ट को, तो उसके लिए जो है ये हमें फैसिलिटी प्रदान करता है। यदि हम बात करें कि सैंडबॉक्स के सिक्योरनेस की बात करें तो ये सिक्योर इसलिए कि ये ERC-20 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये इथेरियम के कॉन्सेप्ट, यानी कि ERC-20 के कॉन्सेप्ट, यानी ब्लॉकचेन पे कार्य करता था। बाद में जो है इसमें सोलाना ब्लॉकचेन को भी जोड़ा गया। तो ये जो दोनों ही ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी सिक्योर है। तो उस लिहाज से जो है इसमें जो है जितने भी टोकन्स ये हमें प्रोवाइड करता है, जितने भी टोकन्स जो है मार्केट में है, सर्कुलेटिंग में है, जो भी इन फ्यूचर जो है वो डाले जाएंगे मार्केट में, वो कुछ जो है काफ़ी जो है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो उसके हैक होने की या जिस तरह से लूना का डीप हैक हुआ, उस तरह की जो है संभावनाएँ काफ़ी कम है। तो दोस्तों उस लिहाज से जो है यदि आप जो है सैंडबॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अभी जो है मार्केट बुलिश मूवमेंट में नहीं है। जब मार्केट एक बार बुलिश मूवमेंट में जाएगी तो फिर ये जो है कॉइन हमें काफ़ी महंगे प्राइस में मिलेंगे। तो उस लिहाज से जो है, और ये तो वैसे भी गेमिंग इंडस्ट्री और मेटावर्स का काफ़ी अच्छा कॉइन है, तो उस लिहाज से यदि आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें कि इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आप चाहे वजीरेक्स से खरीदें, बाइनेंस से खरीदें, कुकॉइन से खरीदें, या फिर यूनिसैप से भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी खरीदें। और बाकी जो है लगभग सभी जो जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, चाहे वो हुबे ग्लोबल हो, तो काफ़ी एक्सचेंजों के ऊपर ये लिस्टेड हैं, तो वहाँ से आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। दोस्तों अपने जो है खरीदने से पहले अपना भी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि फाइनेंस का मामला है, इसमें आपका जो पैसा है वो जो है ऐसा ना हो कि आपका पैसा जो है डाउन चला जाए। तो हमेशा यही प्रयास करना है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है, जिससे कि आपका यदि पैसा जाए तो कुछ ही आपको लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी संभव है। मार्केट जो है 100% आपको प्रॉफिट दे सकती है, तो 200% डाउन भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो उस लिहाज से जो है हमेशा अवेयर रहें मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करें, और अपना ख्याल रखें। ये दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।